नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज हम यहां पे बात करेंगे। इसके अंतर्गत डिप्लोमा एंड ITI होल्डर्स के लिए जो टेक्निकल वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला है। इसका मैंने कैरियर सेक्शन ओपन कर लिया है। जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां से देख सकते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल लिंक भी आज से ओपन हो गया है। 25 तारीख है आज इसकी, इस पर लिंक पर ओपन करके अभी आप देख सकते हैं। जब इसमें आप ओपन करेंगे तो देखिए ये फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, 25 तारीख से आवेदन चालू है, उसके बाद 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसमें मोबाइल नंबर डालना होगा और आई एम नॉट रोबोट करके रजिस्टर कर लेना है। फिर उसके बाद आप लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे, तो लॉगिन सेक्शन पे जब आप आ जाएंगे तो मोबाइल नंबर आपका जो रहेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे आगे फॉर्म को फिल करना है। तो चलते हैं, नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया तो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो ये है उसका नोटिफिकेशन सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इसमें जब वैकेंसीज देखिए, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड वन की जो 14 पोस्टें हैं, UR में SC कैटेगरी में 5 पोस्ट है, ST कैटेगरी में 2 पोस्ट, OBC में 15 पोस्ट है, EWS में 4 पोस्ट है और टोटल 40 पोस्टें हैं। उसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट की टोटल टेक्निकल, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड के लिए आपको टोटल 24 पोस्टें दी गई हैं यहाँ पे। उसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए दी गई है आपको 18 पोस्टें। इसमें जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रेड के लिए फर्स्ट क्लास BTEC होना चाहिए आपका। गेट स्कोर के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा इसमें, क्योंकि ग्रेड वन की जॉब है और 30 ईयर एज लिमिट है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आप देखिए टोटल 22 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कॉरस्पॉन्डिंग गेट पेपर इसमें होना चाहिए। जब नीचे की तरफ आप आएंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट देखिए, फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोस्ट, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BSc होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से इंजीनियरिंग असिस्टेंट में बात कर लें तो जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें एज लिमिट 35 ईयर दी गई है। अब बात करें ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आप देख सकते हैं ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। उसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में फर्स्ट क्लास से BA, BSc, BCom, BBA, MBA एंड BCA होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन अ क्लोजिंग डेट ऑफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए कंडक्टेड बाई जैसे CCC का हो गया, तो इसके लिए भी एज लिमिट जो 30 ईयर दे गई है। तो ITI होल्डर्स के लिए जो टोटल 24 पोस्ट हैं आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए जो आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट में Level 6 की जॉब है, आपकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 बेसिक रहेगा और CBT बेसिस पे आपका पेपर किया जाएगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट इसमें करवाया जाएगा। उसी तरीके से ITI वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 19,000 से लेके 900 से लेके 63,200 बेसिक रहेगा, CBT मोड के आधार पे और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसमें का जो पेपर पैटर्न रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें कि आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन में आप 60 और 40, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल होंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे नॉन टेक्निकल होंगे। जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उसमें अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इस तरीके से मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स के होंगे और लॉजिकल एप्टीट्यूड के, और 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 40 क्वेश्चन आपकी ब्रांच कोर से होगा जो टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का रहता है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप यहां देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट इन इंस्टीट्यूट कैरीज ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी रहेगी इसमें, पहली बार बेंगलोर, भोपाल, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, गुवाहाटी एंड नासिक, इस यूनिट में आप एंड कमिंग अप इन रायपुर यूनिट में, इन जगहों पर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है इस फॉर्मेट में, और सिलेबस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रही बात फॉर्म फीस की, तो जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये का फॉर्म फी पे करना होगा, और जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट हैं उनको 1,000 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आपको 14 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है, उसके बाद CBT एग्जामिनेशन जो होगा 23/4/2023 तक करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट जो होगा 15/5/2023 तक करवाया जाएगा। ये आपको टेंटेटिव डेट पहले ही दे दी गई है, तो इस हिसाब से आप तैयारी करें, पेपर के समय में ज़्यादा समय बचा नहीं है, 23/4 तक पेपर करवा लिया जाएगा आपका ये। ओके,
एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात कर लें तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका रहेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, एवरी एफर्ट विल बी मेड टू द अलॉट द एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफर्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब ये सेंटर लगभग रहेंगे क्योंकि ये मेन मेन सिटीज़ हैं और इन्हीं सेंटरों पर आपका एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाएंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी होता है जैसे तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी कोई भी इशू हो, ऑल क्वेरीज इस ईमेल आईडी पे सेंड करके आप इनको भेज सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई और क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।